हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो हम चैप्टर टू फेडरलिज्म क्लास टेंथ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर टू है। सबसे पहले जानेंगे हम इस चैप्टर में कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या है। लेकिन उससे पहले हम अपना वो पिछले चैप्टर की जो स्टोरी है, स्टोरी ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम, वो रिकॉल करते हैं। बेल्जियम में क्या हुआ था, बेल्जियम में जो है अगर जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, यानी 1993 से पहले जो है बेल्जियम में यूनिटरी गवर्नमेंट का पावर चलता था, मतलब कोई एक गवर्नमेंट होगा वो चलाता होगा। बट जब उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो पावर जो है वर्टिकल लेवल में डिवाइड हो गया। मतलब सबसे पहले पावर जो है सेंट्रल के पास, फिर उसके पास स्टेट के पास, फिर जो उससे भी छोटे छोटे गवर्नमेंट है उसके पास पावर होगा, ठीक है। ऐसे में जो है बेल्जियम एक फेडरल कंट्री बन गई। कोई भी किसी के लिए वो एंसरेबल नहीं था, सब कोई अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकता था। लेकिन श्रीलंका में वही क्या हुआ था, श्रीलंका में क्या हुआ था कि एक ही, मतलब सारा पावर जो है एक ही गवर्नमेंट के पास था, यूनिटरी गवर्नमेंट के पास, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हम लोग पहले फेडरल और यूनिटरी के बारे में वो डिफरेंस भी देखेंगे। अभी पहले फेडरलिज्म समझ लेते हैं कि क्या होता है। फेडरलिज्म जो होता है ना, देखिए, इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच पावर आर डिवाइडेड इनटू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। मतलब फेडरलिज्म गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें पावर जो है दोनों गवर्नमेंट के बीच डिवाइडेड होता है, सेंट्रल और स्टेट। मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ करता है अपने स्टेट में तो उसके लिए इजाज़त नहीं लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हाँ क्या हम ये कर सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। या सेंट्रल ही गवर्नमेंट करता है कुछ तो उसको स्टेट से इजाज़त नहीं लेनी पड़ेगी, सबके पास खुद का पावर है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। फेडरेशन का मतलब क्या होता है, फेडरेशन मीन्स गवर्नमेंट एट दो लेवल, टू लेवल। मतलब फेडरेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी गवर्नमेंट जो दो लेवल पर हो, किसी कंट्री में गवर्नमेंट दो लेवल पर है तो उसको फेडरेशन या फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि दो ही लेवल पर हो, ज़्यादा लेवल पर भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट दो लेवल पर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, यूनिटरी और फेडरल में डिफरेंस समझ लेते हैं। तो यूनिटरी में क्या होता है, सबसे पहले यूनिटरी में होता है कि जो सिंगल गवर्नमेंट होती है, मतलब एक ही गवर्नमेंट होगी, एक गवर्नमेंट है जो पूरे कंट्री को रन कराएगी। लेकिन फेडरल में जो होता है गवर्नमेंट एटलीस्ट टू लेवल, कम से कम दो लेवल पे होते हैं सब फेडरल गवर्नमेंट में। और जो यहाँ पे है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर टू स्टेट गवर्नमेंट, सेकेंड पॉइंट यह है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर दे सकता है स्टेट गवर्नमेंट को कि, मतलब ऑर्डर ही देता है कि तुमको यही करना है इस अपने इस स्टेट में। और कुछ करते हुए देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एंसरेबल टू स्टेट गवर्नमेंट, एंसरेबल टू सेंट्रल। और अगर कुछ कर भी रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एरिया में तो उसको आंसर देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को क्यों किया है वो। बट फेडरल गवर्नमेंट पे जो होता है स्टेट गवर्नमेंट आर इंडिपेंडेंट, वो दोनों गवर्नमेंट जो होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, बोथ गवर्नमेंट, सेंट्रल हो चाहे स्टेट। और जो दोनों गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल के लिए आंसरेबल नहीं होता है, सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट जो है पीपल को आंसरेबल होते हैं। मतलब पीपल अगर पूछते हैं, लोग पूछते हैं क्यों ऐसा किया गया, तो उसके लिए वो जवाब उनको देना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।